ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन 11 o'clock हो रहा है, हम लोग 8:50 से बस में हैं। गाइस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे बेलंदूर इको स्पेस के पास, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, क्योंकि कल रात जो बारिश हुई थी इसकी वजह से पूरा जाम हो गया। लेकिन पता नहीं चल रहा है कि आखिर इतना ट्रैफिक हो क्यों रहा है। देख सकते हैं ऊपर से ये मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो ऑलवेज ट्रैफिक होती है, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑलमोस्ट दो घंटे से हम लोग यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बस के अंदर हैं। क्या करें ना ललिता, वॉक करके चले जाएं, देखते हैं ना आगे जाके क्या होता है, किस लिए है इतना जाम। बहुत ज़्यादा है, नहीं मालूम हम लोग निकल पाएंगे कि नहीं है। चलिए ना चलते हैं, वॉक करके चलते हैं, चलिए। ओहो इसकी वजह से यार देखिए आप, पूरा स्विमिंग पूल बना है यहाँ पे। ये एक्चुअली मेन रोड है, ये इको स्पेस का मेन रोड है ये बेलंदूर। ओह गॉड बहुत प्रॉब्लम है, हम बस स्काई वॉक तक चले जाए बस। वहाँ से तो जाकर देख सकते हैं ना, ये वीडियो बना सकते हैं कि कहाँ से कितनी दूर से पानी आ रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जो भी देखिए दुकानों के अंदर सब आ रहा है पानी। ये देखिए दुकानों के अंदर सब खड़े हैं, यहाँ सब पानी है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी बेलंदूर का रोड आता है, प्लीज़ बारिश के समय इस रोड से मत आइए, इतना जाम हो जाता है और पानी में आप फंस जाते हो, पानी में भी फंस जाओगे आप, प्लीज़ मत आइए। और मैं देखिए कितना इस साइड से भी दिखाती हूँ मैं आपको, कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, ऊपर से मैं दिखा रही हूँ क्लियरली, बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ हमारे सब आप सब से कि जो भी ये वीडियो देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एटलीस्ट हमारे गवर्नमेंट वाले थोड़ा तो कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करें इस रोड पे, क्योंकि हम लोग हर दिन यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, हर दिन हम लोगों को सफ़र करके जाना होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एटलीस्ट थोड़ा तो यहाँ पे इम्प्रूव आ जाए बस, और हमें भी सपोर्ट करना बस, हम लोग ऑफिस चले जाएँ प्लीज़।